डियर फ्रेंड्स, आज भी हम आपके साथ एक अपनी छोटी सी हार्वेस्टिंग को शेयर करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, थोड़ी थोड़ी सी हार्वेस्ट करेंगे। देखिए, ये हमारे अरुई के पत्ते हैं। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। देखिए, ये इन पत्तों का साइज अभी छोटा है, लेकिन इसकी ये जो कॉर्नर्स हैं ये येलो पड़ने लगे हैं, इसलिए इसको हम आज हार्वेस्ट कर लेंगे। आज संडे है और इसी के पतोड़े बनाएंगे। और भी चीज़ें मुझे हार्वेस्ट करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब ये पत्ता जो होता है इसको यहाँ से बिल्कुल जड़ से हार्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल देखिए यहाँ से, क्योंकि फिर उसके पीछे ही स्टिक में से देखिए और दूसरी भी लीफ निकलती है। तो इसको हम यहाँ से आज हार्वेस्ट कर लेंगे। देखिए, ये लीफ एक आ रही है नई, तो जो पीछे से लीव्स आती हैं फ्रेंड्स वो बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसलिए हमको बहुत एहतियात से यहाँ से बिल्कुल हार्वेस्ट करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे भी एक आ रही है लीफ, इसमें भी वो बड़ी होगी, तो हम इन सब लीव्स को हार्वेस्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पोई के लीव्स भी थोड़े हो गए हैं बड़े बड़े, इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और इन्हीं सब का मिला के हम आज पकौड़ी बनाएंगे और ब्रेकफास्ट में उसी को खाएंगे। वीडियो तो आपके साथ शाम में ही शेयर होती है और बनाती मैं इस वक्त हूँ, फिर दिन में किसी टाइम अपलोड करती हूँ। और सारी हार्वेस्ट करके इसकी लीव्स दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, अब हमें कुछ ये बेजिल भी चाहिए, तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और हम जितना ज़्यादा जिस प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं वो प्रून होती है, उतना ही ज़्यादा वो फिर घना होता है और हमें उससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलती है, उससे ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो इसलिए हार्वेस्ट करने में बिल्कुल भी घबराया या डरा मत कीजिए, आप आराम से हार्वेस्ट कर लिया कीजिए। और इसके बाद अब हम चलते हैं करी लीव्स की तरफ। ये देखिए, ऊपर से जहाज भी जाते रहते हैं हमारे टेरेस पर से, वो भी देख लीजिए आप। अब हम यहाँ से करी लीव्स ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आज की हमारी वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इस तरह से आप भी गार्डनिंग कीजिए तो अपने घर में ही बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और देखिए, लीफी वेजिटेबल्स तो बहुत ज़्यादा ईजीली ग्रो हो जाती हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है। और फ्रेंड्स, ये बरसात का मौसम है, इस मौसम में ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, प्लांट्स बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप ज़रूर गार्डनिंग कीजिए। तो देखिए, ये है आज की हमारी हार्वेस्टिंग। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में ऐसी ही खूबसूरत सी। तो आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय। Thanks for watching.